नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं अपने गार्डन में गुड़ाई का काम कर रहा हूं और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये प्लांट है दोस्तों, मोर पंखी का प्लांट व कुलियंस का प्लांट, ये दोनों प्लांट एक ही गमले में लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं और इसकी मैंने गुड़ाई कर दी है दोस्तों। और ये दूसरा प्लांट है दोस्तों, पाइलिया केडीएरी का प्लांट, और इसमें भी दोस्तों मैं गुड़ाई कर रहा हूँ और इसमें एक ये जंगली घास का पौधा भी हो रखा है, इसको मैंने उखाड़ के फेंक दिया है, देखिए दोस्तों आप। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है दोस्तों और इसमें फल भी लगता है, जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो इसमें फल भी लगता है जो कि खाया भी जाता है। और ये हल्की छांव हल्की धूप का प्लांट है, छांव में भी बढ़िया तरीके से हो जाता है पर ज़्यादा धूप में ये प्लांट खराब हो जाता है। और ये तीसरा प्लांट है दोस्तों, मॉस रोज का प्लांट, जो कि बहुत ही सुंदर प्लांट है जिसमें ये फूल भी लगे हुए हैं, लेकिन जब ज़्यादा धूप मतलब होती है तब इसके फूल मुरझा जाते हैं, सुबह 10-11 बजे तक इसके फूल खिले हुए रहते हैं जो कि बहुत सुंदरता प्रदान करते हैं। और दो प्रकार के फूल इसमें लगते हैं, लाल और सफ़ेद। और ये चौथा प्लांट है दोस्तों, एरिका पाम का प्लांट, और ये धूप में पूरी तरह से ख़राब हो गया था, अब ये ठीक हो रहा है और इसमें भी मैंने गुड़ाई कर दी है दोस्तों बढ़िया तरीके से। और ये पाँचवा प्लांट है दोस्तों, स्नेक प्लांट, इसमें मैंने गुड़ाई कर दी है। और ये छठा प्लांट फिर से कोलियंस प्लांट और ये मोर पंखी का प्लांट, इसमें भी मैं गुड़ाई कर रहा हूँ। और ये सुंदरता प्रदान करने वाले प्लांट होते हैं दोस्तों और घर में लगाना भी शुभ माने जाते हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि अपने प्लांटों की देखभाल जरूर करना चाहिए। अब ये सातवां प्लांट है दोस्तों, जेरेनियम प्लांट, और इसकी मैंने गुड़ाई भी कर दी है, अब मैं इसको बरामदे में रखूँगा ताकि ये बरसात के पानी से ख़राब ना हो। ये आठवां प्लांट ड्रेसिना का प्लांट है दोस्तों, इसकी भी मैंने गुड़ाई कर दी। और ये नौवां प्लांट सदाबहार का प्लांट था, और अब ये दसवां प्लांट फिर से एरिका पाम का प्लांट है जो कि धूप में ख़राब हो गया था, अब ये ग्रो हो रहा है दोस्तों। और ये ग्यारहवां प्लांट आ गया दोस्तों, ये अजवाइन का, जो कि बहुत ही बढ़िया अच्छा प्लांट है और आयुर्वेदा बहुत ही बढ़िया प्लांट है दोस्तों, और जुखाम खांसी में बहुत काम आने वाला प्लांट है। इसकी पत्तियों को चाय में भी डाल सकते हैं आप, लेकिन तभी डाल सकते जब जुखाम खांसी हो, नहीं तो वैसे ये बहुत गर्म होता है, ऐसे इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ में नहीं करना चाहिए। तो इस प्लांट की भी मैंने गुड़ाई कर दी है दोस्तों। अब ये बारहवां प्लांट है दोस्तों, एलोवेरा का प्लांट, तो इसकी सुंदरता तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि धूप भी बहुत हो रखी है, तो मैं पानी अपने साथ लेके चलता हूँ दोस्तों, चाहे मैं गाड़ी साफ करने के काम के लिए जाऊँ, चाहे मैं माली का काम करने के लिए जाऊँ, चाहे मैं ड्राइवरी का काम करने के लिए जाऊँ, मैं जब भी काम करने के लिए जाता हूँ पानी की बोतलें साथ लेके जाता हूँ, फिर जहाँ भी कहीं प्यास लगती है वहीं मैं पानी पी लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये 13वें नंबर पर गोश्त प्लांट है जिसकी मैंने गुड़ाई कर दी है, और अब ये 14वें नंबर पर है रेन लिली का प्लांट जिसके मैं इस टाइम गुड़ाई कर रहा हूँ, और इसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर के फूल खिले हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये वो प्लांट है जिनकी मैंने 2.5 महीना पहले रिपोर्टिंग करी थी। और ये 15वें नंबर पे फिर से एलोवेरा का प्लांट है दोस्तों, देखिए दोस्तों कितने सुंदर हो रखे हैं। और ये 16वें नंबर पे फिर से गोश्त प्लांट है जो कि मैंने इसमें तेल के डब्बे में उसके बचे हुए टुकड़े लगाए थे जो कि रिपोर्टिंग करी थी, वो कटिंग के टुकड़े लगाए थे और ये भी बढ़िया हो गए। और अब ये 17वें नंबर पे है दोस्तों भ्रम कमल का प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, और इसके जो फूल होते हैं वो रात को खिलते हैं, दिन को दोस्तों मुरझा जाते हैं, और इसके फूल इन्हीं के पत्तों में लगते हैं जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं। दोस्तों ये 18वें नंबर पे बोगनवेलिया का प्लांट है जो कि बहुत खूबसूरत प्लांट है और कई प्रकार के फूल प्रदान करने वाला प्लांट है दोस्तों, और मकान चाहे फिर कितना ही ऊंचा हो इसकी बेल बहुत ऊंचाइयों तक जाती है दोस्तों, और पूरे मकान को ये बढ़िया तरीके से सजा देता है, अपने फूलों से भर देता है, इतना सुंदर प्लांट है दोस्तों ये। इसको अपने घर में जरूर ऐड कीजिएगा दोस्तों, बोगनवेलिया के प्लांट को।
और ये 19वें नंबर पे दोस्तों ये ड्रेसिना का प्लांट है, इसकी भी मैंने गुड़ाई कर दी है। और ये भी छांव का प्लांट है दोस्तों, हल्की धूप तो चल जाएगी लेकिन ज़्यादा धूप में ये प्लांट ख़राब हो जाता है। और ये 20वें नंबर पे फिर घोस्ट प्लांट है, इसकी भी मैंने गुड़ाई कर दी है दोस्तों बढ़िया तरीके से। और ये 21वें नंबर पे दोस्तों ये एलोवेरा का प्लांट, 22वें नंबर पे ये केलेथिया का प्लांट, और आगे ये जो गली में जो पर्दे के पीछे जो प्लांट दिख रहे हैं, इन सब की मैंने बढ़िया तरीके से गुड़ाई कर दी थी। और इसमें मैंने बढ़िया तरीके से जो घास था, जंगली घास, वो सारा निकाल दिया था दोस्तों। तेईसवें नंबर पे ये सिंगोनियम का प्लांट, और 24वें नंबर पे ये गुलदावरी का प्लांट, और 25वें नंबर पे ये बास्केट प्लांट, और 26वें नंबर पे ये ड्रेसिना का प्लांट। इन सब में मैंने बढ़िया तरीके से गुड़ाई कर दी थी दोस्तों। और अब 27वें नंबर पे ये पर्पल हार्ट का प्लांट, 28वें नंबर पे ये वोट लिली का प्लांट, और 29 नंबर पे ये कड़ी प्लांट, 30 नंबर पे ड्रेसिना का प्लांट, 31 नंबर पे फिर से वोट लिली का प्लांट, बत्तीस नंबर पे ड्रेसिना का प्लांट, 33 नंबर पे मनी प्लांट, 34 नंबर पे सिंगोनियम प्लांट, 35 नंबर पे एलोवेरा का प्लांट। इन सभी में मैंने बढ़िया तरीके से गुड़ाई कर दी थी दोस्तों, और जो जंगली घास था वो भी निकाल दिया था। और बढ़िया तरीके से अपने प्लांटों की देखभाल कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपके गार्डन की सुंदरता बनी रहे, यही मेरा कहने का मतलब है। और 36 नंबर पे स्नेक प्लांट, इसमें भी मैंने बढ़िया तरीके से गुड़ाई वगैरह कर दी दोस्तों, और इसमें नए नए पप्स भी आ रखे हैं, देखिए दोस्तों आप ये पप्स। 37 नंबर पे दोस्तों ये फिर से स्नेक प्लांट है, इसकी भी मैंने बढ़िया तरीके से गुड़ाई कर दी है दोस्तों। 38 नंबर पे और 39 नंबर पे मैंने सिंगोनियम प्लांट और सेपलेरा प्लांट की गुड़ाई कर दी है दोस्तों बढ़िया तरीके से दोस्तों। 40 और 41 नंबर पे दो स्नेक प्लांट और थे, इनकी भी मैंने बढ़िया तरीके से गुड़ाई कर दी है दोस्तों। दोस्तों 42 नंबर पे इंसुलिन प्लांट की भी मैंने बढ़िया तरीके से गुड़ाई कर दी है, और इसमें काफ़ी सारा जंगली घास उगा हुआ था, उसको मैंने निकाल दिया है बढ़िया तरीके से। और ये अब 43 नंबर पे फिर से सिंगोनियम प्लांट, जो कि बहुत ही सुंदर हो रखा है। और 44 नंबर पे एक ही गमले में दो प्लांट लगे हुए हैं, एक तुलसी का और एक ड्रेसिना का प्लांट, इसकी भी मैंने बढ़िया तरीके से गुड़ाई कर दी है, और जिसमें जंगली घास उग रखा था वो मैंने सारा निकाल दिया है दोस्तों। और 45 नंबर पे फिर से ड्रेसिना के प्लांट, जो कि एक ही गमले में दो प्लांट लगे हुए हैं, इसकी भी मैंने बढ़िया तरीके से गुड़ाई कर दी, और जो इसमें जंगली घास था वो भी निकाल दिया। और 46 और 47 नंबर पे दो प्लांट स्नेक प्लांट थे, जो कि स्टील के गमलों में लगे हुए थे, इनकी भी मैंने बढ़िया तरीके से गुड़ाई कर दी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।